श्रीलंका 1948 में ब्रिटेन से आजाद होने के बाद सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। कोलंबो में 13-13 घंटे के पावर कट से जूझ रही जनता सड़कों पर उतर आई है और राष्ट्रपति के इस्तीफे की मांग कर रही है। लोगों के पास खाने पीने की चीजों की भी भारी कमी हो गई है, वहीं खाने की कीमतें भी आसमान छू रही हैं। श्रीलंका में महंगाई का आपातकाल कुछ इस तरह है। चीनी यहाँ पर 290 रुपए की मिल रही है, चावल 500 रुपए, एक कप चाय के लिए 100 रुपए देने पड़ रहे हैं, ब्रेड का पैकेट 150 रुपए का मिल रहा है, दूध 1975 रुपए का मिल रहा है, वहीं LPG 4119 रुपए मिल रहा है। पेट्रोल की कीमत यहाँ पर 254 है, डीजल 176 रुपए मिल रहा है। तो क्या आप जानते हैं कि श्रीलंका में आपातकाल क्यों लागू हुआ? आखिर क्यों श्रीलंका में खाने पीने के साथ जरूरी चीजों की कमी हो गई है? श्रीलंका में आगजनी, हिंसा, प्रदर्शन, सरकारी संपत्तियों में तोड़फोड़, लंबे पावर कट और ईंधन की कमी ने लोगों की दिक्कतें और बढ़ा दी। देश में बिगड़ते हालात देख राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने आपातकाल लागू कर दिया है। महंगाई के आपातकाल के मायने जरा समझिए। श्रीलंका में महंगाई का आपातकाल बना हुआ है। पहला, विदेशी मुद्रा भंडार में कमी आई है। दूसरा, COVID-19 महामारी पर्यटन सेक्टर ठप पड़ा है। तो वहीं तीसरा ये है कि विदेशी कर्ज बढ़कर $7 अरब हुआ है। रूस यूक्रेन युद्ध से आर्थिक नुकसान हो रहा है। रासायनिक खेती बंद करना भारी पड़ा है। तो साफ है कि पड़ोसी देश श्रीलंका इस समय अपने सबसे खराब आर्थिक संकट से गुजर रहा है। इस बीच भारत की तरफ से 40,000 टन डीजल की खेप श्रीलंका की मदद के लिए भेजी है।